अस्सलाम वालेकुम। हेलो अल्कीन और हेलो अरीन के फर्स्ट क्लास में आपने पढ़ा था हेलो अल्कीन क्या हैं, हेलो अरीन क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है, क्या सिमिलैरिटी है, अल्कीन से हेलो अल्कीन बनता कैसे है। क्लासिफिकेशन की डिटेलिंग नहीं पढ़ी थी, सिर्फ हमने क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिब्रिडाइजेशन। वन इज़ sp3, sp3 यानी कार्बन इज़ अटैच विद हेलोजन विद सिंगल बॉन्ड एंड दैट कार्बन कंसिस्टिंग हिब्रिडाइजेशन ऑफ sp3। उसे हमने पढ़ा था तीन तरीके के होते हैं। पहला है हमारा अल्काइल हैलाइड, सेकंड वन इज अलाइलिक हैलाइड, हैलाइड्स, थर्ड वन इज बेंजाइलिक हैलाइड्स। ओके, इन सब के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबके सब के अंदर होगा सिंगल बॉन्ड ऑन कार्बन डैट इज अटैच्ड टू हेलोजन। एक्स क्या है, हेलोजन है, जो हेलोजन से अटैच्ड होगा। उसके बाद अब हम करेंगे फर्स्ट वन यानी कि अल्काइल हैलाइड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होते हैं अल्काइल हैलाइड्स? अल्काइल हैलाइड्स जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पर अल्काइल होगा और हैलाइड ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप है और हैलाइड ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप यानी जैसे हम कोई एग्जांपल के तौर पर लिखें, कोई सा भी हेलोजन लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा क्लोरीन ही लगाएं, ब्रोमीन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। और सॉरी, ये तीनों के तीनों अल्काइल हैलाइड हैं। इन सब में फ़र्क क्या है, क्यों लिखा हमने तीन तरीके के अल्काइल हैलाइड? क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, जैसे हम इस क्लोराइड को देखें, यानी कि जो क्लोरीन है वो कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन कितने दूसरे कार्बन ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। यहाँ देखेंगे आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये सारे के सारे हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको कहा जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर हम सेकंड पर आ जाएं तो यहाँ पर दो कार्बन है, ये कार्बन देखेंगे हम क्योंकि ये ही अटैच्ड है हेलोजन से। ये कितने कितने अलग कार्बन से अटैच्ड हैं, दो अल्काइल ग्रुप। आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। ओके, इन तीनों से नहीं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, ब्यूटेन भी हो सकता है इसके अंदर। तो ये वाला हो जाएगा हमारा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। ये है प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो तीन तरफ से लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। यानी कि हम देखेंगे कि जो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है वो कितने दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। आई होप समझ में आ गया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट है अलाइलिक हैलाइड। ये हम सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की केस पढ़ रहे हैं। ये तीनों के तीनों sp3 है। अगर हमें चेक करना है हम चेक भी कर सकते हैं। अगर इस कार्बन की अगर तरफ हम देखते हैं, ये जो कार्बन है जो अटैच्ड है एक तरफ हेलोजन से, तीन तरफ हाइड्रोजन से, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, sp3। इसकी देखेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो यानी सब के सब क्या हैं, हेलो हेलो एल्कीन्स, यस अल्काइल हैलाइड। अब हमें अल्काइल हैलाइड में क्या देखने को मिलेगा, इसे हम एग्जांपल के तौर पर लें,
दिस वन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अल्काइल हैलाइड. यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमें चेक करनी है. हम इसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को चेक करेंगे. क्यों चेक करेंगे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को? क्योंकि यही अटैच्ड है हैलोजन से, इसीलिए हमें वन बॉन्ड इज मिसिंग हेयर. दिस ग्रुप इज नोन एज अलाइलिक ग्रुप. तो ये अलाइलिक ग्रुप से हैलोजन अटैच्ड है, इसलिए हो गया ये अलाइलिक हैलाइड. इस पूरे ग्रुप को अलाइलिक कहा जाता है. ये अटैच्ड हैलोजन हैलाइड है तो ये बन गया अलाइलिक हैलाइड. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. अब इस कार्बन को हम देखते हैं, यहाँ से जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है, हम हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी है ना, तो हम यहाँ कार्बन को देखते हैं. 1, 2, 3, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4. यानी कि एक तरफ इसने बॉन्ड बना रखा होगा हाइड्रोजन के साथ. सारे के सारे क्या हैं? सिग्मा बॉन्ड. हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था सिग्मा प्लस लोन पेयर. लोन पेयर यहाँ पर है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड है. 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है. 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि 1s एंड 3p. तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड है. हमने पढ़ा था ना हाइब्रिडाइजेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा? सिग्मा प्लस लोन पेयर. सिग्मा बॉन्ड कितने? 4. लोन पेयर 0, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा जी. इसके अंदर देखेंगे ये पूरा ग्रुप हमारा है अलाइलिक ग्रुप. अलाइलिक ग्रुप और उससे अटैच्ड हैलोजन, तो ये बन गया अलाइलिक हैलाइड. तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे दीज आर द कंपाउंड. These are the compound in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom next to carbon double bond. इसका मतलब क्या है? यानी कि वो कार्बन एटम, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, यानी जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगा उसका जो नेक्स्ट कार्बन है वो पाई बॉन्डेडली अटैच होगा दूसरे कार्बन से. यानी अगर हम इस कार्बन की बात करें और इस कार्बन की बात करें, दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. उसके नेक्स्ट कार्बन यानी कि सी, ये अटैच होगा हैलोजन से, देन इट इज़ नोन एज अलाइलिक. इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं ये ग्रुप अलाइलिक है. यहाँ पर आपने लगा लिया ये अलाइलिक ग्रुप है. ओके, अगर हम से कोई कहे अलाइलिक ग्रुप है, हमें ये वाला कार्बन देखना है. क्यों ये वाला कार्बन देखना है? हम इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, क्योंकि ये अटैच है किससे? हम हमेशा उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिससे हैलोजन अटैच्ड होगा. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखते हैं तो क्या आएगा? हम हाइड्रोजन को नहीं लिखा, हमने यहाँ पर दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, दो कार्बन हैलोजन और कार्बन के साथ है. इसकी देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3. इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो आएगी sp3. होप कि आपको समझ आ गया होगा. कम टू नेक्स्ट वन इज बेंजाइलिक हैलाइड. बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? यहां तक अगर हम देखें तो ये बेंजीन है, यहाँ आ गया तो बेंजाइल हो गया. दिस वन इज नोन एज बेंजाइल. ठीक, अब इससे अगर हैलोजन अटैच्ड हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड. समझ आया? यानी कि इतना ग्रुप जो है
ये बेंजाइल है और इससे अगर हेलोजन अटैच है तो ये बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक अल्कोहल भी होता है, ठीक है। तो वो तो आप जब अल्कोहल फिनोल और ईथर वाला जो चैप्टर है, जो नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जब पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा आपको। बट आपको यहाँ याद रखने की क्या ज़रूरत है कि इस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे बेंजाइलिक। ओके, यहाँ तक बेंजीन है, यहाँ जब लग जाएगा CH2 तो ये बेंजाइलिक ग्रुप हो जाएगा। ओके, तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा ये। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन करेंगे हम, दीज आर द कंपाउंड, इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम टू एन एरोमेटिक रिंग। ओके, समझ में आ गया होगा आपको क्या चीज़ देखना है? हाइब्रिडाइजेशन। हमने इसके अंदर देखा था ना, दो मेन पैरामीटर पढ़ा था हमने, क्या था पहला? पहला हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, दूसरा हम क्या देख रहे थे कि हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कहाँ से हुआ है, अल्काइल ग्रुप से हुआ है या अराइल ग्रुप से हुआ है, अल्काइल का मतलब एलिफैटिक ग्रुप से हुआ है या एरोमेटिक ग्रुप से हुआ है, हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन देखनी होगी हमें इस कार्बन की देखनी होगी। क्यों देखनी होगी? क्योंकि इस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है। हम इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp3। इसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है तो ये किसका मेंबर हुआ? किसका मेंबर हुआ? अल्काइल हैलाइड का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। इफ वी हैव ओके, दिस वन इज बेंजाइलिक हैलाइड और नॉट। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि बेंजाइलिक ग्रुप है भी या नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था बेंजाइल ग्रुप के लिए, कि बेंजीन रिंग से अगर एक कार्बन अटैच्ड है तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक, आगे एक हैलोजन लगा है तो बन गया बेंजाइलिक हैलाइड। ओके, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। अब हमें इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। हमने पढ़ा था ना तीन, इसके अंदर कौन कौन से थे? तीन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थे, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे 1, 2, 3, 4 यानी sp3। कम टू नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp2 कार्बन हैलोजन एंड फर्स्ट वन इज विनाइलिक हैलाइड सेकेंड वन इज अराइल और अराइलिक भी बोलते हैं इसको अराइलिक हैलाइड्स। ओके, स्टार्ट विद विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड किसको कहेंगे? इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज विनाइल ग्रुप। जैसे हमने पढ़ा था ना अलाइलिक ग्रुप, अलाइलिक ग्रुप के लिए क्या पढ़ा था हमने? कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड दैट कार्बन आर अटैच विद हैलोजन, उसको हम क्या बोल रहे थे? विनाइलिक। अब हमें अलाइलिक, विनाइलिक के लिए क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो अटैच्ड होगा हैलोजन से, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं विनाइल। ये विनाइलिक ग्रुप है और ये हैलोजन से अटैच्ड हो गया तो ये बन जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ओके, नेक्स्ट अगर इसी में देखें हम, ये क्या हो गया हमारा? ये भी विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये और ये हम कौन सा कार्बन चेक करेंगे जिससे हैलोजन अटैच्ड है, यानी ये इस वाले कार्बन को देखेंगे हम। ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है इसलिए ये ग्रुप क्या बन गया? विनाइलिक
और हेलोजन से अटैच्ड है वेलैनिक हैलाइड। कंफ्यूज मत करिएगा खुद को, इससे पहले हमने एक एग्जांपल करी थी, इसमें और इसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। हमें क्या देखना है, वो कार्बन जो हेलोजन से अटैच्ड है, तो हम कौन सा कार्बन देख रहे हैं, ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन क्या पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, नहीं है, इसीलिए कौन सा ग्रुप था, अलाइलिक था। ओके, यहाँ पर हमारा हेलोजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, इसलिए कौन सा ग्रुप है, विनाइलिक है। समझ में आया, तो इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे विनाइलिक हैलाइड को। सो एक्सप्लेन करेंगे हम, दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड। सिंपली जैसे इससे पहले वाले किया, वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज था, यहाँ पर sp2 हो जाएगा। लिखेंगे दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस लाइन का मीनिंग समझिए आप, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हम हर कुछ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp2। ओके, ये हमने देख भी लिया। अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, क्योंकि इस कार्बन की ही बात करेंगे हम, क्योंकि इससे अलग है हेलोजन ग्रुप, इससे अटैच्ड है हेलोजन ग्रुप। जिससे भी हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होगा, या फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है, जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, हम उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन की बात करते हैं। तो हम इस कार्बन की बात करें अगर, जिससे आपका हेलोजन अटैच्ड है, तो 1, 2, 3, उसके बाद एक होगा हाइड्रोजन, जिसको हमने लिखा नहीं है। हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 है। हमने फार्मूला पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, सिग्मा प्लस लोन पेयर, वी आर नॉट एडिंग पाई बॉन्ड एट ऑल। हम पाई बॉन्ड को कहीं पर भी ऐड नहीं करेंगे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर ऐड होगा। सिग्मा बॉन्ड 1, 2, 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपको, sp2। हम इस वाले केस में देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा आपको, sp2। तो सीधी सी बात है, अगर हमारा विनाइलिक ग्रुप होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और वहाँ पर हेलोजन अटैच्ड होगा। ये वाला ग्रुप हमारा विनाइल है, विनाइलिक हो जाएगा, और हेलोजन अटैच्ड होगा तो विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें विनाइलिक हैलाइड, और आप कुछ कुछ जगह पर ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी विनाइलिक हैलाइड है, क्योंकि आप इस कार्बन से अटैच कर रहे हैं ना फ्लोरीन को, ठीक है, वो पाई बॉन्ड से अटैच्ड है, तो ये भी विनाइल है, सारे के सारे विनाइल हैं, विनाइल विनाइल विनाइलिक हैलाइड विनाइलिक हैलाइड। ओके, नेक्स्ट है अराइलिक हैलाइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अराइलिक हैलाइड क्या होता है। अराइलिक हैलाइड्स नाम से पता चल रहा है आपको, मेरी sp2 का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था sp3 का, sp3 के क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था 3 होते हैं, कौन कौन से, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। फिर इनकी फर्दर डिटेलिंग पढ़ी हमने, इन तीनों के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, sp2 के अंदर 2 होते हैं विनाइलिक हैलाइड और अराइल, और अराइलिक भी बोल सकते हैं आप, दोनों सही है, अराइलिक हैलाइड 2 होते हैं इसके अंदर, विनाइलिक और अराइल हैलाइड और अराइलिक, अराइलिक हैलाइड, बोथ आर ट्रू। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिटेलिंग में कि अराइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं। क्या होता है अराइलिक हैलाइड, नाम से कुछ समझ आ रहा हो आपको,
अराइल का मतलब हो गया एरोमेटिक, ठीक है, इट कंटेन्स एरोमेटिक ग्रुप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, एराइलिक हैलाइड। अगर हमें लिखना हो क्या होता है एराइलिक हैलाइड तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दीज आर द कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग। सबकी लैंग्वेज सेम है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो हेलोजन है वो अटैच्ड किससे है और कितने हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन से अटैच। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये sp2 हिब्रिडाइज कार्बन एटम रिंग के अंदर जो sp2 हिब्रिडाइजेशन जिस कार्बन का होगा उससे अटैच होगा और वो एरोमेटिक रिंग होगी, तो इसको हम क्या देंगे, एराइलिक हैलाइड। चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन जैसा टेस्ट कर लिया जाए कि आपने कितना लर्न किया, कितना समझा। ओके मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, यू जस्ट हैव टू जज योरसेल्फ कि आपको कितना समझ आया। जी ये कौन सा हैलाइड होगा, एलाइलिक, बेंजाइलिक, अराइलिक, कौन सा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा होगा, जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन से हैलाइड हैं, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा। ये कौन सा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। अगर आपने अच्छे से समझा तो आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सा क्या है। अब इसको देखेंगे आप, रिंग अटैच विद द CH2 क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है वो किससे अटैच्ड है, जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर किससे अटैच्ड है, तो हम इसको देखेंगे CH2। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिए जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसकी, sp3 आएगी हाइब्रिडाइजेशन। अब जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, कौन कौन से तीन ऑप्शंस हैं, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड के लिए हमने पढ़ा था क्या होता है, सिंगल बॉन्ड सी अटैच विद हेलोजन, और दूसरा हमने पढ़ा था एलाइलिक जो है हमारा क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन आप इसको मार्क करें कि प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है, तो आप इसको आप देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड में यानी कि आप इस ग्रुप को देखें तो पूरा ग्रुप किसकी तरह है, बेंजाइल, तो ये बेंजाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड। ओके बेंजाइलिक हैलाइड हो गया ये, और ये तो हमने अभी पढ़ा एरोमेटिक रिंग से अटैच डायरेक्टली होगा और उस हाइब्रिडाइजेशन इसकी हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे क्योंकि इस कार्बन को हमें देखना है और ये कार्बन, इस कार्बन से हमको देखना है क्योंकि हैलोजन इससे अटैच्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे हम 1 2 3 4 4, यानी ये पाई बॉन्ड को तो हम काउंट ही नहीं करते, यानी 3 आया, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp2। अब हमने उसमें पढ़ा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन में दो होते हैं, क्या क्या नाम है उनके, विनाइलिक एंड अराइलिक। सॉरी विनाइलिक जो होगा वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, वो स्ट्रेट चेन में होगा, वो रिंग में नहीं होगा। अब ये रिंग में है तो हम यहाँ से इसको पकड़ लेंगे कि ये हो गया हमारा एराइलिक हैलाइड। ओके
नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बन कार्बन, ये कार्बन से अटैच्ड यानी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये कौन सा ग्रुप नज़र आ रहा है आपको, विनाइलिक विनाइलिक हैलाइड। इसकी बात करें तो ये कौन सा होगा, जी ये भी विनाइल होगा क्योंकि इससे अटैच्ड, इस कार्बन से अटैच्ड हैलोजन, इस कार्बन, इन दोनों के पर डबल बॉन्ड, यानी कि ये कौन सा ग्रुप हो गया, विनाइलिक हो गया, तो ये विनाइलिक हैलाइड हो जाएगा जी। इसकी बात करें तो इस सब की हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी इस कार्बन की, आप इस कार्बन की निकालें या इसकी निकालें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 आई। इसको चेक करते हैं हम, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 3, 4, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है हमारे पास, तीन है sp3 में, हमने कौन कौन से पढ़े थे, अल्काइल हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। अल्काइलिक हैलाइड में तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है, अलाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, अलाइलिक हैलाइड को देख लीजिए, अलाइलिक हैलाइड होता कैसे है, यहाँ पर कोई हैलोजन लगा है, ये ग्रुप अलाइलिक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी वाला है नहीं, ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो ये भी नहीं हुआ। अब इसको चेक करेंगे कि है कौन सा, तीसरा कौन सा हमारा होता बनता है, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक यानी कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक कार्बन होगा, वो हैलोजन से अटैच्ड होगा, और हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 होगी तो वो हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट क्लास में अब हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फर्दर आयोपिक नेमिंग, और अगर आपको सेशन पसंद आया हो, इससे आपकी कोई हेल्प हुई हो, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।